सिलेंडर कर रहे हैं। हम क्यों विदेशी भोजन बर्गर पिज्जा के चक्कर में आके अपने स्वदेशी खान पान को भूल रहे हैं? क्यों हमें फटी जींस याद आने लगी है इस यूरोप की? क्यों हमारे विचारों में सुबह सुबह उठकर नमस्कार सुप्रभात से नहीं होकर गुड मॉर्निंग होने लगी है? हमें आज इस बात को चिंता करनी चाहिए कि हम स्वदेशी भोजन करें, स्वदेशी विचारों से पोषित हों, स्वदेशी पर होना हमें गर्व होना चाहिए। हम केवल माला फूल माला से लेकर एक तो प्रतीक है कि उत्साह बढ़ जाए हमारा। मैं माता पिता बैठे हैं, आप सभी से निवेदन करता हूँ, किसी भी माँ, मैंने क्योंकि स्वामी विवेकानंद के मैं उनका साहित्य पढ़ा हूँ, कहते थे मुझे 100 नचिकेता चाहिए। क्या बोलते थे? मुझे तत्काल, जो 1900 शताब्दी की बात है जब वो भारत की माँओं से अपने कोख से दिव्य संतानों की उत्पत्ति कर 100 सन्यासी मांग रहा था वो व्यक्ति, तब उनको एक सन्यासी उपलब्ध नहीं हुआ। गरीबी इतनी छाई, जब कोलकाता में प्लेग का संक्रमण हुआ तो इलाज के लिए पैसे उपलब्ध नहीं हुए। माँ से कहा, शारदा से, माँ मैं इस कुटिया को बेच देती हूँ, इस कुटिया को मैं बेच दूंगा तो कुछ गरीबों की मैं सेवा कर पाऊंगा। आज अगर हम सच में भारत माँ की संतानें हैं, आज पूरा युवा जिनके हाथों पर भारत का होना चाहिए, भारत की, भारत माता का तिरंगा होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, वो वासनाओं में गिर गया है, चरित्रहीनता का शिकार हो रहा है। हमारा युवा भारतीय ऋषि मुनियों विवेकानंद दयानंद महर्षि अरविंद से प्रेरणा नहीं ले रहा है, बल्कि उनकी फेसबुक पर भी सलमान खान और कैटरीना कैफ की फोटो लगी है। आप अपने बच्चों के फेसबुक देख लेना, कैसे हमारे आदर्श हो सकते हैं? जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, विवेकानंद दयानंद होने वाले थे, वहां पर फिल्मी दुनिया बैठ गई है। जहां पे सीता, गार्गी, लक्ष्मीबाई बैठनी थी, वहां हीरोइनी कटरीना कैफ, अलग अलग हीरोइने बैठ गई हैं। तो आज यो मैं सभी माता बहनों से भगनियों से, क्योंकि मैं सन्यासी हूं और उस दर्द को मैं पूरा भारत में गांव गांव जाकर उसको महसूस कर रहा हूं, जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति की पतन की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, और जो भी सच्चा देशभक्त है, जो शुभ सोचता है इस भारत को, भारत के लिए शुभ सोच रखता है, कुलीन परिवार से जो रखते हैं ताल्लुक, जो माता पिता सच्चरित की पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं अपने बच्चों को, उनके कंधों पर भारत की रक्षा, भारत की संस्कृति की रक्षा, भारत के द्वारा विश्व को जो प्रकाश दिया गया उसकी रक्षा करने का दायित्व है। और मैं इन छोटे छोटे बच्चों में यहाँ दुर्गापुर में आकर यह देख रहा हूं, क्योंकि जब तक महर्षि चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने संसार की पहली किताब लिखी थी अर्थशास्त्र की, तो वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते, कि धर्म की रक्षा पैसे से होगी और विद्या की रक्षा होगी योग से। आज जितने भी आप अनैतिक काम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, बलात्कार देख रहे हैं, अराजकता देख रहे हैं, अश्लीलता देख रहे हैं, वहां कहीं न कहीं शिक्षा है। बीच में आके शिक्षा खड़ी हो जाती है, एजुकेशन शिक्षा खड़ी हो जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी तो कहा ही करते थे, आगामी इतने कड़ुए शब्द आज बोल नहीं सकता कोई सन्यासी, जितने कड़ुए शब्द तब तत्कालीन ऋषि श्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि आगामी 50 साल तक इन देवी देवताओं को गंगा में सुला दो, यह जगत जननी भारत माता ही तुम्हारी आराध्य देवी बन जाए, ये स्वामी विवेकानंद ने वो कहा था। और उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि जब तक देश का एक कुत्ता भी भूखा है, आदमी तो दूर, कुत्ता भी भूखा है, तब तक तेरा अध्यात्म तेरा धर्म यही कहता है तू उसके लिए रोटी तलाश। आज हम बोल देंगे तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, लठ पड़ जाएंगे, अगर आज के डेट में इतने कड़वे शब्द बोले जाएंगे कि जब तक, अरे मेरा अध्यात्म क्या कहता है, मंदिर में जाता हूँ 8 बजे उठकर, कितने बजे, 8 बजे, क्योंकि 1 बजे तक मैं पिक्चर देखता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ,
अधिक अधिक भोजन उल्टा सुलटा मुर्गा मांस बकरा पता नहीं क्या क्या खा के एक बजे सोता हूँ, फिर वासनाएं 8 बजे तक पूर्ण हो जाती हैं, 9 बजे सूरज को अर्घ देने जाता हूँ, फिर खा पी के 10 बजे मैं पूजा पाठ करता हूँ। यह भोग की पूजा है, भगवान देख रहा है सब चीजें। तो मेरे भारतवासियों, मेरे साथियों, दुर्गापुर वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर इनको जन्म देने वाली ये माँ दुर्गा सरस्वती की रूपा, आप सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सारे शास्त्र विवेकानंद जी किताब से सीखे हैं, वह वेदांता शास्त्री यह कह रहा है कि पूजा अर्चन वेदांता में यह लिखा है कि पूजा अर्चन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 4 बजे। तो सुबह कल मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, देखता हूँ कौन उनके पूजा करने वाले 4 बजे उपस्थित कौन होता है। हाँ, ताली बजा के सो जाओगे तो सोना मत मेरी बहनों, उठो जागो। भगवान की सच्ची आराधना जिनको करनी है वो 4 बजे है समय। कितने बजे है? ज्यादा ही समय है, 4:30 बजे है। 8 बजे माँ के सामने जाओगे, माँ फिर डंडा मारेगी कि कहेगी 8 बजे उठकर तू मेरे पूजा करने आई है। तो सुबह स्वस्थ शरीर में ईश्वर का निवास होता है। किसका होता है? भगवान कहाँ निवास करेगा? जहां शरीर स्वस्थ होगा। ये भी विवेकानंद जी ने कहा है, मेरे युवाओं उठो जागो, गीता पढ़ने से महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल खेलना मतलब योग करना, प्राणायाम करना, दौड़ लगाना, सुबह पसीना बहाना। अगर तुम ऐसा करने में सफल होगे तो गीता में क्या अर्थ लिखा है वो तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा के, बिना मेंटली तैयार हुए, विभिन्न प्रकार की व्यथाओं से, बीमारियों से ग्रसित होकर तुम गीता को भी ठीक ठीक नहीं पढ़ पाओगे, उसका अर्थ भी तुम्हें संशय होगा यह शास्त्र है या उपन्यास है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो शास्त्रों में भी हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम कर्तव्य है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ कैसे रहोगे? योग से, प्राणायाम से रहोगे, आसनों से रहोगे, सुबह उठ के पानी पी के पेट साफ करने से रहोगे, 8-8 बजे तक मल को ढोने से नहीं बनोगे स्वस्थ, 8-8 बजे तक। शाम को कम खाइए, सुबह जल्दी उठिए, तब हम स्वामी विवेकानंद दयानंद महर्षि अरविंद मां से लेकर रमन पतंजलि पाणिनि त्रिभु वशिष्ठ जमदग्नि वशिष्ठ से लेकर नारद अनेकों अनेक जो ऋषि महापुरुष हुए हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए आतुर होंगे और उनमें समर्थ होंगे उनके विचारों पर आगे चलकर। उनका विचार तो मर गया, स्वामी विवेकानंद जब शरीर उनका पूर्ण हुआ तो उनका ज्ञान चले गया उनके साथ, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए हो। राम आए तो राम का ज्ञान गया, महर्षि अरविंद आए तो उनका ज्ञान हो गया, उनका ज्ञान का दीपक तो बुझ गया। आज हमें उनके ज्ञान से नहीं, अपने अंधकार को मिटाकर अपने दीपक को जलाने की जरूरत है, तभी हम उनके पच्चीनों पर चल पाएंगे। यह एक छोटी सी मैंने आपके सम्मुख बात रखी सुबह, क्योंकि मुझे योग सत्र लेना है यहाँ पे। कितने बजे है योगा? योगा कितने बजे है? 5 बजे। 1 घंटा बढ़ा दिया, मैं तो 4 बजे बोल रहा था। तो 5 बजे कौन कौन आ रहे हैं पहले ये बताओ।